तो गाइस यार फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस दिन का इंतज़ार था सभी छात्रों को, वो दिन आ चुका है। बड़ी खुशखबरी, आज APBS प्रणाली के थ्रू लाखों छात्रों का जो स्कॉलरशिप है वो उनके खाते में भेज दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं आज लगभग मैक्सिमम छात्रों की स्कॉलरशिप आएगी। अब आप सभी के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि सर किसकी किसकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो भाई इन सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको अपना स्कॉलरशिप कैसे चेक करना है, जेन्युइन तरीके बताऊँगा, 2 से 3 सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो आपको उन ट्रिक्स को फॉलो करना है और स्कॉलरशिप को अपना चेकआउट कर लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिएगा वीडियो को अभी स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ आपको स्कॉलरशिप कैसे कैसे कब कब चेक करना है। देखो सिंपली आपको क्या काम करना है स्कॉलरशिप चेक करना है, तो क्रोम पे बेस्ट रोजगार आपको सर्च कर देना है और सर्च करके जैसे ही देखोगे पहला जो इंटरफेस है पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि बेस्ट रोजगार के लिए आप UP स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हो। हालांकि अभी आया नहीं, लेकिन चेक करने ना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर देखिए UP स्कॉलरशिप पेमेंट, आज छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने वाला है, तो आपको यहीं से अपना पेमेंट चेक करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ से आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है गाइज। और जैसे नया इंटरफेस खुल के आएगा आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी स्कॉलरशिप कब कब कितने छात्रों की कैसे भेज जानी है। सारे आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, अदर वो करेक्शन करना हो या फिर स्टेटस, चलिए आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। हमको चेक करना है UP स्कॉलरशिप का स्टेटस, वो भी उमंग ऐप के थ्रू। कैसे उमंग ऐप के थ्रू चेक करना है इसको भी चलिए जान लेते हैं और सारी चीज़ों को आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उमंग ऐप के थ्रू आपको अगर चेक करना है स्कॉलरशिप, क्योंकि PFMS पे क्या होता है मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर करके प्रॉब्लम इधर उधर करके झमेला करता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और उमंग ऐप के थ्रू आप अपना स्कॉलरशिप चेक कर सकते हो। हालांकि देखिए आज जो स्कॉलरशिप है वो APBS प्रणाली के थ्रू आएगी, यानी कि डायरेक्ट आधार के थ्रू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, तो 1-2 घंटे में आपको रिसीव हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। लेकिन कुछ छात्रों का PFMS के थ्रू जो पहले भेजा गया 2-3 दिन पहले या फिर आज भी भेजा जाएगा कुछ छात्रों का, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपना मोबाइल नंबर, सीक्रेट एम पिन नहीं है तो बना लो या फिर नया अकाउंट आप यहां से सिंपली बना के सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो, समझ गए। तो यहां पे आपको चेक कर लेना है, चलिए आगे के अपडेट्स पे बात। तो गाइस यार आज की डेट में एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने निकल के आई है, आप देख सकते हैं कि शुल्क भरपाई का आवेदन अस्वीकृत जी हाँ होने पे अपील कर सकते हैं छात्र। DM के यहाँ आपको अर्जी देना होगा अगर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर पात्र आप पाए गए तो फिर आपको अगले साल जो है वो भुगतान किया जाएगा। एक बड़ी खुशखबरी आखिर फाइनली UP स्कॉलरशिप के फील्ड में देखने को मिली है आज के न्यूज़पेपर में। आप देख सकते हो कि शुल्क भरपाई का आवेदन अस्वीकृत होने पर SC ST वर्ग के जो भी छात्र हैं अब अपील कर सकेंगे। संबंधित अधिकारी के फैसले के खिलाफ उन्हें DM के यहाँ अर्जी देनी होगी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख सकते हो क्या होता था पहले, कि कई सारे छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता था, सस्पेक्ट में डाल दिया जाता था और ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता था। तो आप देख सकते हो कि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पंजीकरण संख्या अनिवार्य नहीं, यानी कि आप देख सकते हो कि किसी भी प्रकार का इनरोलमेंट नंबर जो होता है ना, फर्स्ट ईयर के छात्रों का काफ़ी प्रॉब्लम होता है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के दौरान इनरोलमेंट नंबर अवेलेबल नहीं होता। इन दैट केस आपको परेशान नहीं होना है, आप सभी को बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि स्कॉलरशिप में लगातार रियायतें जो हैं वो बढ़ती जा रहे हैं और आप लोग को पल पल की अगर अपडेट जानी है। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर लो। चलिए आगे के अपडेट्स पे बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको बकायदा समझा दूँ कि प्री मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक हो, सामान्य वर्ग, OBC जनजाति और अल्पसंख्यक जो भी छात्र हैं उन सभी को स्कॉलरशिप जो है वो भेज दिया जाएगा और 4 जनवरी तक उनके अकाउंट में यहाँ पे देखिए भेजे जाने की बात कही गई है। जो स्कॉलरशिप 27-28 को भेजे जाना था मैक्सिमम छात्रों का, वो अब 3-4 को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में 27 दिसंबर को स्कॉलरशिप की राशि इसलिए नहीं भेजी गई क्योंकि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जिला से जो भी फॉर्म था वो सही से डाटा सत्यापित करने के अंतिम तिथि 30 दिसंबर थी। और आपको यहाँ पे बता दूँ कि ऐसे में 2 जनवरी आखिरी तिथि थी, तो 2 जनवरी बीत चुका है, आज की डेट है 3 जनवरी और 3 जनवरी को आज सभी छात्रों को स्कॉलरशिप जो है वो भेज दिया जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ से आपको बता दूँ कि दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि हर हाल स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में 3 दिन में छात्रवृत्ति भेजे जाने का आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि सभी छात्रों के अकाउंट में 4 जनवरी तक पैसे भेज दिए जाएंगे। और आप सभी को बता दूँ कि UP में हर साल करीब 40 लाख से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है, इस बार 55 लाख से अधिक छात्रों को लाभ दिया जाएगा। ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी का जिन छात्रों का दिसंबर में क्या हुआ था कि PFMS लगा था लेकिन नहीं आया था, उन छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि उनकी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होनी शुरू हो गई है। तो आप लोग अपना बैंक बैलेंस एक बार ज़रूर से चेक कीजिएगा, जो तरीका अभी स्टार्टिंग में बताया वहाँ से आप अपना स्कॉलरशिप चेक कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप अपना डायरेक्ट बैंक बैलेंस चेक करते रहो जितने भी बैंक हैं आपके पास।
शाम को अक्सर क्या होता है, 2 बजे के बाद ही स्कॉलरशिप भेजी जाती है दोपहर में, तो आप 3 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक, 6 बजे तक चेक कर लेना एक बार, दिन में 4 बार, और जो टाइमिंग बता रहा हूँ इसी टाइम चेक करना। स्कॉलरशिप अगर आई होगी तो अच्छी बात है, इंस्टा पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, और नहीं आई होगी तो पेशेंस रखो, 3-4 दिन में सब किया जाएगी, बात खत्म। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। जय हिंद।